मैं इनको डालूंगी मिक्सी जार के अंदर। आपको इतना इसे पीसना है। अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप सभी के साथ गाजर का हलवा शेयर कर रही हूँ। और आपने गाजर का हलवा कई बार खाया भी होगा लेकिन बनाया भी होगा। आज जो तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सच में बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जिस तरीके से मैं आप सभी को बताती हूँ आप एक बार मेरे कहने से बना के देखना। गाजर का हलवा इतना ज्यादा टेस्टी बनेगा और बनाने में बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी से आपका हलवा बन जाएगा, वही स्वाद होगा। ऐसा नहीं है कि ये नई ट्रिक से बन रहा है तो इसमें जो स्वाद होगा वो कम होगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज्यादा टेस्टी बना और आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना। तो देखिए, इसके लिए आपको गाजर को घिसना नहीं है, आपको क्या करना है ये देखिए। ये जो गाजर थी सबसे पहले तो मैंने इन्हें अच्छे से धोया, कम से कम 2 से 3 पानी में। धोने के बाद इनको ऊपर से मैंने घिस लिया, घिसा नहीं मतलब इनका जो छिलका था ना, कहीं कहीं से आप देखते हो ना बाल टाइप में होते हैं, तो उन सबको मैंने हटा दिया थोड़ा सा छील के। और फिर इनको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा करके ना मैं इनको डालूंगी मिक्सी जार के अंदर और ग्राइंड करूंगी, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा इसका जूस नहीं बनाना, हल्का सा मुझे ग्राइंड करना है। तो देखिए आपको मैं दिखाऊंगी कि कितना ग्राइंड करना है आपको। तो थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, एक साथ भी नहीं डालूंगी, मतलब इतनी गाजर मैंने इसके अंदर डाल दी। इन्हें बंद करके हल्का सा ग्राइंड करूंगी, हल्का सा एकदम। थोड़ा सा आपको खोलना है इसे इस तरीके से। अगर कंटिन्यू आप इसे चला के रखोगे ना तो इसका जूस बन जाएगा। आपको इतना इसे पीसना है। अब आप देख सकते हो ना, अब इसमें जूस भी नहीं निकला और बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड भी हो गई, ये देखिए, है ना। अब मैं क्या करूंगी, इसे इसी तरीके से जो मेरी गाजर है सबको हल्का सा ग्राइंड करके और एक बर्तन के अंदर इन्हें मैं निकाल लूंगी, पीस के मैं इसके अंदर इन्हें निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी गाजर मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। देखिए जो मेरी गाजर है अच्छे से ग्राइंड हो गई। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कढ़ाई में डालूंगी देसी घी, और देसी घी डालने के बाद इनको मैं अच्छे से भून लूंगी। ये गाजर मुझे तब तक भूननी है तब तक इनका जो कलर है अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी। तो जब तक मेरा घी गर्म हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिए बादाम, ये मैंने लिए काजू, और ये जितने भी मेवे हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी आपको डालना पसंद है, जो आपको खाना पसंद है उस हिसाब से। इनकी भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ली है किशमिश। तो ये तीनों ही चीजें मैं इसमें डालने वाली हूँ। और साथ में मैंने एक चीज और ली है, जो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम 2 किलो गाजर के अंदर मैंने 250 ग्राम लिया है पनीर। और इससे गाजर का हलवा का जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। आपको इसमें अलग से मावा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब खोआ डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फूफा जी पहुंच गए अचानक ही, अभी मैं हाँ मैं ठीक हूँ बेटी, और तुम ठीक हो सब? आप क्यों नहीं आई, आप क्यों नहीं आई? अरे बेटा मुझे तो फूफा जी का भी नहीं पता था, फूफा जी चले जाएंगे। गाजर का हलवा बना रही हूँ आज खाले, अभी बना नहीं है लेकिन बना रही हूँ। आई ना, तो बीच में आ गई हस्बैंड की कॉल, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, वो गए हुए मथुरा शादी में। और गए तो मथुरा शादी में थे मम्मी और वो दोनों, लेकिन अब वो अचानक से पहुंच गए भरतपुर, तो अभी कॉल आई है। मेरी थोड़ी देर पहले मम्मी से बात हुई थी, तो मम्मी पूछ रही थी सब लोग कहाँ पर हैं। मैंने कहा मम्मी और हस्बैंड तो यहाँ पे है नहीं, वो मथुरा गए हुए शादी में। तो कह रही अच्छा कब आएंगे? मैं कहा 2 दिन लग जाएंगे तब आएंगे। तो कह रही अच्छा ठीक है। अब वो अचानक से पहुंच गए वहां पर, तो उनकी कॉल आई थी, तो बीच में इसलिए मैं बात करने के लिए लग गई थी। तो अब मैं क्या करूंगी, देखिए जो मेरा देसी घी था अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी काजू और बादाम, इनको हल्का सा रोस्ट कर लूंगी इसी के अंदर।
और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ओवरवॉइस करनी होगी क्योंकि ये मैं बैक साइड से शूट कर रही हूँ इसलिए। तो देखिए जो मेरा देसी घी था उसमें मैंने गरम करके, मतलब पहले जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको अच्छे से रोस्ट करके निकाल लिया बाहर। अब जो मेरी गाजर हैं जिनको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है उनको मैंने डाल दिया घी के अंदर और मैं इनको अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए और भूनूंगी। ये गाजर मैं तब तक भूनूंगी जब तक जो गाजर है इनका कलर चेंज नहीं हो जाता और इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आपको घी ज़्यादा लग रहा है तो आप घी को निकाल दीजिए, कम लग रहा है तो इसमें घी और डाल लीजिए। अपने हिसाब से मतलब घी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन घी का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि घी नहीं डालोगे तो ये जो गाजर है आपकी अच्छे से भून नहीं पाएंगी। तो इसलिए अगर इस तरीके से आप हलवा बनाओगे तो इसमें घी आपको डालना ही होगा। तो देखिए इस तरीके से, और गाजरों को भूनने में मुझे पूरे 10 मिनट लगे थे, 10 से 12 मिनट तब तक मैंने, और गैस को आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना है, गैस को आपको एकदम मीडियम फ्लेम पे करके रखना है क्योंकि जब आप इसे मीडियम फ्लेम पे करके भूनोगे ना तो जो आपकी गाजरें बहुत ही अच्छे से भुनेंगी। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप इस तरीके से हलवा बनाना चाहते हो तो कंटिन्यू इनको आपको चलाते भी रहना है। अगर आप कंटिन्यू चलाओगे नहीं तो नीचे की साइड से ये जल जाएंगी और फिर कोई भी चीज़ है, हम कुछ भी खाना बनाते हैं अगर वो जल जाता है तो उसमें महक हो जाती है, खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता और उसका जो स्वाद होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए मैंने इनको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाला है 250 ग्राम दूध। ठीक है, अब आप कहोगे कि 250 ग्राम दूध तो थोड़ा सा कम है, आप दूध की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैंने 250 ग्राम जो दूध डाला है ना ये एकदम गाढ़ा दूध है, एक तो फुल क्रीम दूध है, दूसरा ये है इसके अंदर बहुत सारी मलाई भी थी तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। और आप दूध की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। दूध डालने के बाद फिर मैंने एक बार इसको चला दिया। चलाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसे कवर करके छोड़ दूँगी और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी। बीच बीच में मैं इसे इसलिए चलाऊँगी मतलब जिससे जो मेरा हलवा नीचे की साइड लगे नहीं और जले नहीं, नहीं तो फिर महक हो जाएगी। तो इसका मैंने प्रॉपर ध्यान रखा, मैं वहीं पे खड़ी रही थी क्योंकि ज़रा सा मैं भूल जाऊँगी कि हलवा मेरा गैस पे रखा हुआ तो नीचे की साइड से जल जाएगा और इतनी मेहनत के साथ मैं ये बना रही हूँ तो फिर इसका स्वाद भी ख़राब हो जाता। तो इसे मैंने कम से कम दूध डालने के बाद 3 से 4 बार चलाया। चलाने के बाद लास्ट में मैंने इसमें डाली चीनी, और ये जो मैंने इसमें शुगर डाली है ना ये आप अपने हिसाब से, मतलब जितना आपको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से डाल दीजिए। और फिर आपको ये पता है कि जब हम चीनी डाल देते हैं हलवे में उसके बाद वो पानी छोड़ता है तो उस पानी को भी अच्छे से ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको भी ड्राई करने में मुझे करीबन 5 से 7 मिनट लगे। जब चीनी का पानी अच्छे से ड्राई हो गया था लास्ट में मैंने इसमें डाली पनीर। पनीर डालने के बाद फिर मैंने इसको मतलब हाई फ्लेम पर करके रख दिया इस समय पर और खुला करके इसको पकाया जब ये अच्छे से ड्राई हो गया था। और उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें डाल दी जो भी ड्राई फ्रूट्स थे ना सबको मैंने कट करके इसमें डाल दिए। डालने के बाद अब मैंने इसे एक बार और अच्छे से मिला दिया। गैस को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करके रखा और इसी तरीके से खोल के रखा। अब जो मेरा गाजर का हलवा है बनके हो गया तैयार। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। इसका जो स्वाद होगा एकदम अलग और हटके होगा, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो मेरा हलवा बनके तैयार हो गया। तो हलवा मेरा बनके तैयार हो गया, अब मैंने इसे रख दिया ठंडा होने के लिए। और घर पे कोई है नहीं अभी, विश्वास आया है जिम से, विशेष अभी आया नहीं है, उसे आने में कम 1 घंटा लग जाएगा आराम से, वो आएगा तब तक जो मेरा हलवा है खाने लायक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ यहीं पर। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो मेरी ये वाली रेसिपी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी कि नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।